अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के काफिला रुकने और सुरक्षा में सेंध के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा मंडल मनेंद्रगढ़ में प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाते हुए भाजयुओं ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूबी पासी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध एक सोची समझी साजिश थी। इस घटना की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखिए, कल जो देश में घटना घटी है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, वो पंजाब के दौरे में थे और वहाँ पे उनको जबरदस्ती एक फ्लाईओवर पे रोका गया और जो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे पुतला दहन किया है। कांग्रेस सरकार का, चन्नी सरकार का, पंजाब सरकार का, जांच होनी चाहिए इस विषय में। इतनी बड़ी चूक आखिर कांग्रेस सरकार और जो वहाँ पे पंजाब सरकार है उससे हुई कैसे? जैसे कि ज्ञात है सबको कि कल प्रधानमंत्री जी का पंजाब में दौरा था, पंजाब को कई विकासों की सौगात देने वाले थे वो, लेकिन कुछ कारणोंवश मौसम को देखते हुए उनका रूट चेंज किया गया और पंजाब सरकार ने पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा एजेंसियों को गलत जानकारी दी कि उनके सुरक्षा के इंतजाम सही किए गए हैं, जबकि एक फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा और कुछ कथित लोगों ने वहाँ पर प्रधानमंत्री के मार्ग को, प्रधानमंत्री जी का जो मार्ग था उसको रोक दिया, जो कि वहाँ के डीजीपी जी ने जानकारी दी थी कि वो बिल्कुल क्लियर है, उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस तरह की घटना हुई जो पंजाब जहाँ से प्रधानमंत्री जी का रास्ता काफिला रुका था वहाँ से।